की हसरत वाले कितने ही खाक हो गए। हिंदू विरोधी एजेंडा लेकर के चलेंगे तो देश के बहुत बड़े गुस्से का आपको फल भुगतना। नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। बड़ी खबर आ रही है, सनातन पर दिए गए उदयनिधि के बयान से जुड़ी यह बड़ी खबर है। उदयनिधि स्टालिन के बयान पर विपक्ष के गठबंधन में फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। प्रियंका चतुर्वेदी के बाद अब मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने भी उदयनिधि के बयान से किनारा कर लिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सनातन पर दिया बयान उदयनिधि स्टालिन का व्यक्तिगत बयान है जिससे वो सहमत नहीं है। वो उनकी व्यक्तिगत राय होगी, हम उससे सहमत नहीं। वो उनकी व्यक्तिगत राय होगी, हम उससे सहमत नहीं। वो उनकी व्यक्तिगत राय होगी, हम उससे सहमत नहीं। वो उनकी व्यक्तिगत राय होगी, हम उससे सहमत नहीं। वो उनकी उदयनिधि स्टालिन के बयान पर विपक्षी गठबंधन घिरता हुआ नजर आ रहा है। सफाई पर सफाई पेश की जा रही है, लेकिन बीजेपी अभी इस मौके को छोड़ नहीं रही। अलग अलग मंच से गठबंधन पर हमले किए जा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सनातन के मसले पर विपक्ष पर हमला किया और सनातन धर्म का के ऊपर भी चोट पहुंचाई जा रही है। इन्हीं के गठबंधन के लोगों ने, डीएमके ने चोट पहुंचाई है और इस पर कांग्रेस चुप्पी साफ कर बैठी हुई है। मैं गहलोत साहब से कहना चाहता हूं, आप क्यों नहीं बोल, क्यों नहीं सोनिया जी बोलती, क्यों नहीं राहुल जी बोलते, क्यों नहीं खड़गे बोलते कि सनातन धर्म के बारे में आपकी सोच क्या है। और बहनों भाइयों, सनातन धर्म का जहां तक सवाल है, इसको केवल पूजा पद्धति के साथ जोड़कर नहीं देखा जा सकता है। सनातन धर्म या सनातन नित नूतन है, चिर पुरातन है, न इसका कोई जन्म है न कोई अंत है। और यह सनातन धर्म ऐसा है जो पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश यदि कोई धर्म देता है तो यह सनातन धर्म ही देता है। चींटी को भी आटा खिलाकर उसके दीर्घजीवी होने की कामना यदि कोई धर्म करता है तो वह सनातन धर्म करता है। यह भी हमारे कांग्रेस के मित्रों को समझना चाहिए। तो लगातार बयानबाजी हो रही है इस पूरे मामले में। तमिलनाडु के सीएम के बेटे और कैबिनेट मंत्री उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म वाले बयान पर बवाल मचा हुआ है, फिर भी स्टालिन अपने बयान पर अड़े हुए हैं। पूरे देश के साधु संतों और तमाम सामाजिक संगठनों ने स्टालिन के बयान पर कड़ा विरोध किया है और उन्हें फौरन माफी मांगने के लिए वो कह रहे हैं, लेकिन उदयनिधि स्टालिन अपने बयान पर अड़े हुए हैं। न्यूज 18 इंडिया पर बोलते हुए उन्होंने कहा है कि वो अपने बयान से पीछे हटेंगे नहीं। I will always stick to whatever I said. I will say it again and again. I never spoke about genocide. I spoke only about the Sanatan, what about the practices that they are following. I will definitely stand against it and I will face any illegal activities, action, and I will never step back from whatever I said. तो वहीं बीजेपी ने उदयनिधि स्टालिन के बयान पर INDIA गठबंधन और खास तौर पर कांग्रेस को घेरने की कोशिश की है। रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी से इस पर जवाब मांगा और नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव से भी सवाल किया कि जिस सनातन को समाप्त करने की बात उनके साथी दल के लोग कर रहे हैं, वे उसी सनातन को मानते हुए मंदिर जाते हैं। राहुल गांधी क्यों खामोश है, दो दिन हो गए। राहुल गांधी जी तो कहते हैं कि मैं हिंदू हूं, अपने गोत्र की बात करते हैं, मंदिर मंदिर घूमते हैं, जल चढ़ाते हैं। तो मतलब हम जो कहते थे कि अब पाखंड करते हैं तो साबित हो रहा है ना वोट के लिए। नीतीश कुमार क्यों शांत है, बहुत दावा कर रहे थे कि मैंने सबको एक कर दिया मुंबई में, और उनके उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी क्यों खामोश है। पिताजी को लेके गए थे सिद्धि विनायक का दर्शन करवाने मुंबई में, तो सब दिखावा था क्या, क्यों
ये स्पष्ट है कि वोट बैंक की राजनीति के लिए ये जो घमंडिया संगठन का जमावड़ा है, ये हिंदू चिंतन, हिंदू सोच, हिंदू धर्म का विरोध भी कर रहा है। बड़ा सवाल आपके सामने मैं ये उठाने आया हूं कि राहुल गांधी क्यों खामोश हैं? दो दिन हो गए। राहुल गांधी जी तो कहते हैं कि मैं हिंदू हूं, अपने गोत्र की बात करते हैं, मंदिर मंदिर घूमते हैं, जल चढ़ाते हैं। तो मतलब हम जब कहते थे कि आप पाखंड करते हैं तो साबित हो रहा है ना वोट के लिए। नीतीश कुमार क्यों शांत है? बहुत दावा कर रहे थे कि मैंने सबको एक कर दिया मुंबई में, और उनके उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी क्यों खामोश है? पिताजी को लेके गए थे सिद्धि विनायक का दर्शन करवाने मुंबई में, तो सब दिखावा था क्या? क्यों? ये स्पष्ट है कि वोट बैंक की राजनीति के लिए ये जो घमंडिया संगठन का जमावड़ा है, ये हिंदू चिंतन, हिंदू सोच, हिंदू धर्म का विरोध भी कर रहा है। तो बीजेपी हमलावर है, लेकिन उदय निधि स्टालिन के घर से ही उनके खिलाफ आवाजें उठने लगी हैं। कांग्रेस से सफाई मांगी जा रही है, कांग्रेस भी बार बार सफाई दे रही है कि उसका जूनियर स्टालिन के बयान से कोई लेना देना नहीं है। सुनिए केसी वेणुगोपाल की तरफ से क्या कुछ कहा गया। सर्वधर्म समभावना इज द कांग्रेस आइडियोलॉजी, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड एवरी पॉलिटिकल पार्टी हैव देयर ओन फ्रीडम टू टेल देयर व्यूज। वी आर रिस्पेक्टिंग एवरीबॉडीज बिलीव्स। और इससे जुड़ी एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, उदयनिधि स्टालिन के बयान से जेडीयू ने भी किनारा कर लिया। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि चाहे सनातन धर्म हो या कोई संप्रदाय, संविधान सभी को अपनी बात रखने की इजाजत देता है। संविधान को मानते हैं तो सनातन धर्म को भी मानना चाहिए। तमिलनाडु का सत्तारूढ़ दल भी भारत के संविधान का को ही मानता है। संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट है कि चाहे कोई भी धार्मिक समूह हो या सामाजिक समूह हो, उसको परंपरा और विश्वास पर और उनकी मान्यताओं पर उनको काम करने का अधिकार है। कौन क्या मंतव्य देते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि संविधान को मानते हैं कि नहीं। और संविधान इसकी इजाज़त देता है कि चाहे सनातन धर्म में हो, सनातन धर्म में शैव संप्रदाय हो, वैष्णव संप्रदाय हो, राघव संप्रदाय हो, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। लेकिन मान्यताएँ तो धर्म विशेष के आधार पर अलग अलग मान्यताएं हैं, इसलिए जब संविधान को मानते हैं तो सनातन धर्म को भी मानना है। बयान उनका निहितार्थ उनका अपना हो सकता है, लेकिन सरकार चला रहे हैं तो संविधान के तहत चला रहे हैं और संविधान की प्रस्तावना इसी की इजाजत देती है। और इस बीच आपको बता दें, विपक्षी गठबंधन में शामिल पार्टियों की सफाई के बावजूद बीजेपी उन्हें सस्ते में छोड़ना नहीं चाहती और आरोप लगा रही है कि उदयनिधि स्टालिन ने गठबंधन के प्रवक्ता के तौर पर बयान दिया है, लिहाजा सनातन को खत्म करने का बयान इंडिया का बयान है। श्रीकांत जी, उदयनिधि स्टालिन ने जो सनातन धर्म को लेकर जो बयान दिया वो कह रहे हैं वो अपने बयान पर अभी भी कायम है, लेकिन राहुल गांधी इस पर अभी तक चुप है, नीतीश कुमार चुप है, सोनिया गांधी भी चुप है। नहीं नहीं, वो अपने बयान पर कायम रहेंगे क्योंकि वो बयान इंडिविजुअल डीएमके पार्टी का नहीं है, वो बयान जो है INDIA गठबंधन का है। उदय निधि स्टालिन उसके स्पोक्स पर्सन के तौर पर आगे आए हैं। जहाँ तक आपने राहुल जी का सवाल कहा, राहुल जी या कोई भी बड़े नेता इसलिए बयान नहीं देंगे क्योंकि उनको हिंदू धर्म सनातन धर्म में कोई आस्था नहीं है, वो वोट बैंक की राजनीति करते हैं। INDIA क्योंकि पिछड़े की राजनीति खत्म हो गई, माननीय मोदी जी के पीछे पूरे पिछड़े एकत्रित हैं क्योंकि देश में पहली बार पिछड़ा प्रधानमंत्री बना है, तो इनको लगता है कि मुसलमान वोट और क्रिश्चियन को कैसे कॉन्सोलिडेट करें, तो सनातन धर्म और हिंदू धर्म को गाली दें। और उदयनिधि स्टालिन उसी का एक रास्ता दिखा रहे हैं और इस कारण से किसी बड़े नेता का ना बयान आया है ना आने वाला है।